फुकरा इंसान के अगेंस्ट मेकर्स ने एक बड़ी प्लानिंग की और वो बड़ी प्लानिंग अब शायद मुझे लग रहा है कि सक्सेसफुल हो रही है, क्योंकि उसका असर दिख चुका है फुकरा इंसान के वोटिंग्स पर, फुकरा इंसान के लिए जो पोल्स हो रहे हैं उस पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और स्वागत है आप सभी का फीफा फूज में। बिग बॉस चाह रहे थे कि जिया शंकर टॉप पर रहें, अपने गेम के सबसे ऊंचे पड़ाव पर रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं शुरू से ही मेकर्स का प्रेफरेंस जो है वो जिया की तरफ नजर आ रहा है। इससे जिया का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं, जिया भले ही अपना गेम अंदर अच्छा खेल रही है, लेकिन बाहर कई बार मेकर्स ऐसी चीजें कर देते हैं जिसको देखकर थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है सिचुएशन। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जिया जो है वो घर के अंदर अच्छा परफॉर्म तो कर ही रही है, लेकिन बाहर मेकर्स भी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि फुकरा इंसान ना आकर कोई और टॉप पर आए, और वो कोई और कौन है, एल्विश यादव को घर के अंदर इसीलिए लाया गया। एल्विश यादव की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, नो डाउट, और इसी पॉपुलैरिटी को इनकैश बिग बॉस घर के अंदर कर रहे हैं। जब से एल्विश आए हैं पूरे एपिसोड में 90% एल्विश ही एल्विश दिख रहे होते हैं, ओवर पावर कर दिया है कई लोगों को। सो ऐसे में अब जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है उसमें फुकरा इंसान और एल्विश के बीच एक मेजर गैप आ गया है। जी हाँ, नंबर 1 पर एल्विश यादव आ गए हैं, हैरानी की बात है। नंबर 2 पर अभिषेक मल्हान चले गए हैं, और ये पिछले 2 हफ्ते से हो रहा है। पिछले वीकेंड ये जब शुरू हुआ था, वीक मिड में आए थे जब एल्विश, तब जो रैंकिंग सामने आई थी, वोटिंग्स की बात नहीं कर रही, रैंकिंग की बात कर रही हूँ, तो जो रैंकिंग सामने आई थी उसमें एल्विश यादव की रैंकिंग नहीं थी और फुकरा इंसान जो है वो टॉप पर थे। और अब जब एल्विश आ गए हैं तो फुकरा इंसान की रैंकिंग गिरती चली जा रही है यार, मतलब सेकंड पर आ गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं उससे जिया की रैंकिंग को भी काफ़ी फर्क पड़ा है एल्विश के आने से, क्योंकि जिया ज़्यादा नहीं दिख रही हैं अदर देन द पूजा वाला इंसिडेंट। और जिया की जो रैंकिंग है वो चली गई है गिरकर, पहले वो 3rd पर 4th पर होती थी, अभी वो 5th पर चली गई है। सो एल्विश यादव को लेकर आना कहीं ना कहीं बाकी घर वालों पर भारी पड़ रहा है, बिकॉज उनकी रैंकिंग काफ़ी ऊपर चली गई है, फैंस सिर्फ उन्हें ही देख रहे हैं। आपको इस पर क्या है कहना, क्या आपको लगता है कि एल्विश का घर में आना बाकी कंटेस्टेंट्स का गेम पूरी तरह से खराब कर सकता है, जिया का, अभिषेक का, जो टॉप कंटेंडर्स है उनका गेम खराब हो सकता है, आपको लगता है बताइएगा।